और जीएसटी से रियल एस्टेट में ग्राहकों को जितना फायदा मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। कंसल्टेंसी फर्म JLL PwC की साझा रिपोर्ट के मुताबिक सेक्टर के लिए टैक्स की प्रक्रिया कुछ हद तक सरल हुई है, लेकिन अब भी बहुत सफाई आनी बाकी है। ज्यादातर प्रोजेक्ट जीएसटी अमल से पहले शुरू होने की वजह से इनपुट क्रेडिट का फायदा नहीं मिल पा रहा है। जीएसटी के बाद रॉ मटेरियल पर अदा किए गए टैक्स पर छूट मिलने की वजह से घर सस्ते होने की उम्मीद थी, लेकिन JLL PwC की रिपोर्ट के मुताबिक ग्राहकों को इसका फायदा नहीं मिला है। बड़ी दिक्कत यह है कि ज्यादातर प्रोजेक्ट जीएसटी से पहले शुरू हुए हैं, पर जीएसटी लागू होने के बाद पूरे हो रहे हैं। बिल्डर्स को वैट और जीएसटी के बीच खरीदे गए सामानों पर टैक्स निकालना जटिल साबित हो रहा है। बिल्डर्स ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि रॉ मटेरियल पर जीएसटी के बाद कितना असर पड़ा है। कई प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल तक रॉ मटेरियल की लागत का अनुमान लगाने में भी मुश्किल हो रही है। परसेप्शनल क्लैरिटी बायर्स में नहीं है और डेवलपर्स स्ट्रगल कर रहे हैं डे टू डे बेसिस पे कि रिबेट कैसे लेना है, फाइलिंग कैसे करनी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट जहां पे डिफरेंशियल रेट्स पे है वहां पे रिफंड के लिए कैसे अप्रोच होना है। सरकार ने जीएसटी लागू किया था तब ये दलील दी थी कि बिल्डर्स को रॉ मटेरियल पर पहले अदा किए गए टैक्स के बदले छूट मिलेगी जिसे वो ग्राहकों को देंगे, लेकिन बिल्डर जांच से बचने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं लेना चाहते। अमूमन बिल्डर्स के पास मौजूदा समय में भी करीब 5% तक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की गुंजाइश होती है। इसी आधार पर सरकार ने अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट को जीएसटी में 12% स्लैब में रखा, पर बिल्डर्स ने इसी बहाने ग्राहकों पर बोझ बढ़ा दिया। पहले महाराष्ट्र जैसे राज्य में 3.75% सर्विस टैक्स, 1% वैट और 5% स्टैम्प ड्यूटी लगती थी, लेकिन अब 12% जीएसटी और 5% स्टैम्प ड्यूटी लगती है। जो इनवॉइस मैचिंग है वो नहीं हो रहा है तो उनका जो इनपुट क्रेडिट है जितना आ रहा है वो भी कैलकुलेशन करना मुश्किल हो रहा है। और दूसरी इश्यूज है जो गवर्नमेंट को अभी भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, जैसे कि टैक्स ऑन प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस या जो वाटर चार्जेस है, इलेक्ट्रिसिटी है या क्लब हाउस चार्जेस है, पार्किंग चार्जेस। एक्सपर्ट्स की राय में जीएसटी का वाकई में फायदा मिलने में अभी कम से कम साल भर लगेगा, क्योंकि जो प्रोजेक्ट पूरी तरह नए सिरे से बनेंगे शायद उनमें ही बिल्डर्स जीएसटी का लाभ देने के लिए आगे आएंगे। अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई।